चलिए दोस्तों, पार्ट 3 में आपका स्वागत है और नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। कल जैसे हमने कान्हा जी की राइट साइड में ग्रीन कलर की पोशाक की थी, सेम उसी तरह हम लोग आज लेफ्ट साइड में डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन करते हुए इस पोशाक को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये जो एक्रिलिक के नियॉन कलर्स आए हैं उनमें से ये मैंने लाइट ग्रीन लिया है और ये डार्क ग्रीन कलर है। ये कैमलिन का एज़ यूजुअल अपने जो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं हेवी ड्यूटी एक्रिलिक कलर्स, वही वाला है। अब ये जो कान के आजू बाजू का जो पोर्शन है वहाँ पे हमें डार्क पर्शियन ब्लू जो हम लोगों ने ऊपर किया है वही हमें कलर करना है उस एरिया में, और इसके इर्द गिर्द हम लोग कान्हा जी की जो ड्रेस है उसको कलर करेंगे। जो मैंने आपको मर्जिंग बताई है वो मर्जिंग हम लोग कलर को ध्यान रखते हुए मर्जिंग को करते हुए आगे चले जाएंगे। देखिए प्रॉपर कलर मर्जिंग हो गया है, और जैसे हमने राधा जी के पोशाक में कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट ऐसी वैल्यूज़ ऐड की है और लेयरिंग दिखाई है, चुन्नट दिखाई है, वैसे ही हम लोग सेम काम यहाँ पे करेंगे। अगर आप दोस्तों कलर अप्लाई कर रहे हो और आपको वो कलर अच्छे से बैठा नहीं है, ऐसे दिख रहा है, तो आप उसके ऊपर एक दो कोट एक्स्ट्रा ऐड कीजिए तो वो प्रॉपर कलर बैठ जाएगा, थोड़ा थिक दिखेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूमिंग क्राफ्ट आर्ट चैनल में। अगर ये वीडियो आपके सामने पहली बार आई है तो इसके दो पहले पार्ट मैंने बनाए हुए हैं, वो चैनल पे विजिट करके आप देख लीजिए तो आपको ये थर्ड पार्ट भी समझ में आएगा। आप अगर एकदम बिगनर हो, बिल्कुल बिगनर आर्टिस्ट हो, तो आपके लिए ये ट्यूटोरियल बिल्कुल परफेक्ट है। आप ये वीडियो देख के काम करना सीख सकते हो। तो अभी जो कान्हा जी का हाथ है फ्लूट को पकड़े हुए, उसको मैं थोड़ा आउटलाइन कर रही हूँ ताकि समझ में आए। आउटलाइन करने के बाद फिर से मैं एक कोट अप्लाई कर रही हूँ डार्क लाइट का। कलर को वाइट के साथ मिक्स करते हुए हम लोग लाइट एंड डार्क का शेड इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अभी हाथ को भी हम लोग सेम ऐसे ही करेंगे। अल्ट्रामरीन ब्लू हम लोग एक साइड पे लेंगे डार्क शेड, और वाइट को साथ में लेके हुए उसे लाइट करते हुए शेड दिखाएंगे। दोनों उंगलियों के बीच वाला जो पोर्शन है वहाँ पे थोड़ा डार्क टोन अप्लाई करेंगे। अभी कान्हा जी के लिप्स हम लोग कर रहे हैं। लिप्स के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा लाइट पिंक कलर यूज़ किया और उस लाइट पिंक को वाइट के साथ शेड करते हुए इन लिप्स को मैं कंप्लीट करूँगी। थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया है जिससे हम लोग आउटलाइन बनाएंगे। अभी तिलक करेंगे। तिलक के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर निकाला हुआ है और बस राउंड ब्रश को प्रेस करके ऊपर की तरफ बिल्कुल प्रेशर कम अप्लाई करते हुए मैंने टीका करा है, और बाद में ब्लैक कलर का छोटा सा डॉट दिया है। अभी जो इनकी पगड़ी है इसके लिए हम लोग कल जो हम लोगों ने शेड्स निकाले थे
उन्हीं शेड के साथ काम करते हुए आज इसमें हम लोग ऑरेंज टोन अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोगों ने रैंडम कलर लगा लिया है, अब यहाँ पे डार्क टोन में अप्लाई कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्रिम्जन रेड निकाला हुआ है, लाइट ऑरेंज निकाला हुआ है और इंडियन रेड कलर निकाला हुआ है। एक ही बार कोट करने में आपको कोट नज़र नहीं आएंगे, एक बार कलर अप्लाई करने से आपको वो कोट नज़र नहीं आएंगे, तो आपको एक दो कोट उसमें ऐड करने पड़ेंगे कलर के, तो बाद में वो इफ़ेक्ट नज़र आएगा। देखो यहाँ पे मैंने अभी ऑरेंज ऐड करा है, फिर भी वो ऑरेंज इतना इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा है, तो बाद में उसको फिर से एक बार रीस्ट्रोक करेंगे। जो यहाँ पे कान्हा जी की फ्लूट है उसके लिए मैंने येलो ऑकर कलर लिया हुआ है। और राउंड ब्रश की हेल्प से मैं उसको कलर कर रही हूँ, थोड़ा सा वाइट मैं उसमें शेड ऐड कर रही हूँ नीचे की तरफ। और अभी ब्लैक कलर की हेल्प से हम लोग इसके जो छेद होते हैं वो ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने डॉटिंग टूल लिया है। डॉटिंग टूल के हेल्प से हम लोग डॉट ऐड करते हुए इसके छेद बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी जो ये कान के यहाँ, कान्हा जी के कान के यहाँ ये जो हम लोगों ने पोर्शन छोड़ रखा था, यहाँ पे एक फ्लावर दिखाया है, तो वो फ्लावर हम लोग वन स्ट्रोक के साथ करेंगे। देखिए लाइट ब्लू और वाइट की हेल्प से बस मैं एक एक स्ट्रोक लगा रही हूँ। बीच में हम लोग जो रोज़ की कली सीखे थे वन स्ट्रोक में, वो कली मैं ऐड कर रही हूँ और साइड में बस मैं स्ट्रोक खींचते हुए चली जा रही हूँ। यहाँ पे ऊपर का पोर्शन मैंने बिल्कुल कंप्लीट किया है सेम कलर से, और राधा जी के यहाँ पे जो फ्लावर दिखाया था वो फ्लावर भी मैं सेम कलर से करूँगी, ताकि थोड़ा कलर बैलेंस हो जाए। कान्हा जी के कान में जो हम लोगों ने फ्लावर का कलर यूज़ किया है, सेम कलर से हम लोग यहाँ पे हाइड्रेंजा फ्लावर करेंगे जो वन स्ट्रोक में हमने सीखे थे। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए, मैंने हाइड्रेंजा फ्लावर कैसे बनाते हैं वो वीडियो डाल रखी है, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि ये फ्लावर मैं कैसे बना रही हूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने बिगनर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी हिट करो, ताकि ऐसे आने वाले नए नए वीडियोस आपके चैनल पे आपको सबसे पहले दिखाई दे। हाइड्रेंजा फ्लावर बहुत इजी है दोस्तों, आपको राउंड कर लेना है और उसके साइड से स्ट्रोक लगाते हुए बीच बीच में उन फ्लावर्स को कंप्लीट करते हुए इसको सर्कल में कंप्लीट करना है। देखिए अब ये कंप्लीट हुआ है, इसे सूखने देते हैं और तब तक ये जो कॉर्नर वाला पोर्शन है राधा जी के ऊपर, यहाँ पे थोड़े से फ्लावर्स ऐड करते हैं वन स्ट्रोक के, जिसके लिए मैं यहाँ पे मेव कलर निकाल रही हूँ। थोड़ा सा अल्ट्रामरीन ब्लू भी है और वाइट भी है, तीनों के साथ हम शेड करते हुए यहाँ पे जो 5 पेटल वाला फ्लावर हमने सीखा था वन स्ट्रोक में, वो फ्लावर हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। एक दूसरे में पेटल ऐड करते हुए इस फ्लावर को हम लोग कंप्लीट करेंगे 5 पेटल के साथ। यहाँ पे मैंने मेव और वाइट लिया था, मैंने अभी ब्रश को क्लियर किया है, ये 2 नंबर का फ्लैट ब्रश है फाइन आर्ट कंपनी का, आप
जिस फ्लैट ब्रश के साथ हमेशा काम करते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, वो ब्रश आप यूज़ कर सकते हो। मैंने खाली जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में आपको जानकारी दी है। यहाँ पे एक दो कलियाँ हम लोग दिखाएंगे, बस अभी इसको सूखने देते हैं। और यहाँ पे कान्हा जी का जो ये कॉर्नर है, यहाँ पे हम सेम वर्क करते हैं थोड़ा सा। एक दो फ्लावर मैंने अल्ट्रा मरीन ब्लू के साथ भी किए हैं, तो वो शेडिंग दिखता है फ्लावर में और फिर अच्छा दिखता है पेंटिंग। आप किसी भी लोकल फ्लैट ब्रश के साथ भी काम कर सकते हो, खाली उसका चीजल आप देख के उन ब्रशेस को हमेशा परचेज कीजिए। अगर उनका चीजल अच्छा नहीं होगा तो आपके स्ट्रोक अच्छे नहीं आएंगे। देखिए दोस्तों, अब ग्रीन के साथ हम कुछ लीफ यहाँ पे ऐड करते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। लाइट और डार्क ग्रीन दो शेड्स मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं ग्रीन के। ये कैमलिन के ही हेवी ड्यूटी कलर्स हैं, एक्रेलिक कलर्स हैं। सेम फ्लैट ब्रश है, जो वन स्ट्रोक हम लोग सीख रहे हैं उसी के साथ मैंने यहाँ पे फ्लावर और लीफ बनाए हुए हैं। तो अगर आप मेरे वीडियोस देख के वन स्ट्रोक सीख रहे हो तो आपको बहुत हेल्प होगी यहाँ पे काम करने के लिए। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है दोस्तों, थोड़ी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको अच्छे से पेंटिंग्स बनानी आ जाएंगे। देखिए बहुत प्रीटी दिख रहा है अभी। सेम हम लोग यहाँ नीचे भी करेंगे। जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे लीफ ऐड करनी चाहिए वहाँ पे लीफ ऐड करते हुए हम लोग आगे जाएंगे। और सारे फ्लावर्स ड्राई होने के बाद इनके सेंटर्स कंप्लीट करेंगे। और बस बाद में थोड़ा सा फाइनल टच देने के लिए हम लोग फिनिशिंग करेंगे और हाईलाइट करेंगे। अभी ये जो हाइड्रेंजा फ्लावर है इसके बीच में मैं थोड़ा डार्क कलर अप्लाई कर रही हूँ। डार्क कलर के साथ में सेंटर्स कंप्लीट कर रही हूँ विथ डॉटिंग टूल। छोटे छोटे डॉट आपको देने हैं जहाँ पे फ्लावर हमारा कंप्लीट होता है उसके बीच वाले पोर्शन में छोटे छोटे डॉट आपको देने हैं। दो चार डॉट देने हैं और उनको देखना नहीं है, बस रैंडमली उनको देना है। सेम हम हमारे ऊपर वाले फ्लावर्स में भी करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ। वाइट कलर के साथ में इन फ्लावर्स का सेंटर पोर्शन कंप्लीट करूँगी।
बहुत खूबसूरत दिख रहा है दोस्तों। आपको पेंटिंग कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।